Good morning, students. This is Nisar Hemant. Today we have two theories of IR. One is neorealism and other is neoliberalism. So first we have introduction of neorealism. So hum pehle in theories neorealism or neoliberalism ki jo hai wo introduction और उनके जो है वो assumptions करेंगे, उसके बाद जो debate है neorealism versus neoliberalism वो हम करेंगे। तो first पहले देखें कि ये theories हैं क्या। तो पहली theory हमारे पास है neorealism, जिसको structuralism कहा जाता है। Neorealism is one of the most influential contemporary approaches to the international relations. Main proponent of this theory is Kenneth Waltz. तो ये न्यूरियलिज्म जो है वो 80s के बाद जो है इट इज एक्सटेंशन ऑफ क्लासिकल रियलिज्म। तो ये अभी भी जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम में जो है वो एग्जिस्ट करती है, और इसके जो मेन प्रोपोनेंट हैं या पाइनियर है वो केनेथ वार्ड्स हैं। न्यूरियलिज्म इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन डिसिप्लिन ऑफ E.H. कार, हैंस मार्गंथा और रेन होल्ड नेबर। तो ये तीन स्कॉलर्स हैं क्लासिकल रियलिज्म के, जिन्होंने जो है वो बाद में जो है न्यू रियलिस्ट जो हैं उन्होंने यहाँ से जो है वो एक्सक्रेट की थी इनकी बेसिक जो आइडियाज थे रियलिज्म के। तो वो बाद में जो है उन्होंने कुछ जो है वो मॉडिफाई करके न्यू रियलिज्म थियरी का जो है वो सेटअप किया। तो न्यूरियलिज्म इज डिवाइडेड इनटू ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव न्यूरियलिज्म। जिस तरह रियलिज्म ऑफेंसिव और डिफेंसिव टाइप्स थे, इसी तरह जो है न्यूरियलिज्म के भी जो है वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव टाइप्स हैं। तो ऑफेंसिव पहला है, तो ऑफेंसिव न्यूरियलिस्ट कहते हैं इन सिक्योरिटी, यहाँ पे मैंने रियलिस्ट लिखा है लेकिन ये न्यूरियलिस्ट है, ऑफेंसिव न्यूरियलिस्ट। In security studies, emphasis on the importance of relative power, not absolute power. तो ये जो debate है absolute power और relative power की, तो ये offensive realist हैं, वो relative power पे believe करते हैं। Relative power ये कि आपके opponent जितना भी power increase करते हैं तो आप उनके competition में आए और अपना जो है वो power increase करें। तो वो जैसे अपोनेंट इंक्रीज करें तो आप उनको जो है गो हेड दें और अपना पावर इंक्रीज करें उनसे ज्यादा। दे आर्ग्यू दैट स्टेट शुड परसू सिक्योरिटी पॉलिसीज दैट वीकन देयर पोटेंशियल एनिमीज एंड इंक्रीज देयर पावर रिलेटिव टू ऑल अदर्स। तो ये वार्ड्स ने 1979 में कहा था, जो मैंने पहले भी डिफाइन किया एब्सोल्यूट रिलेटिव पावर के बारे में। तो ये डिफाइन कर रहा है इसको, ये तीन लाइनें सेम जो मैंने पहले बोली। Second is defensive neorealist, on the other hand, argues that the cost of war outweighs the benefits. तो ये कह रहे हैं कि जो defensive neorealist हैं कि आप वॉर करने जाएंगे उसके लिए पैसा खर्च होगा, तो इसलिए जो benefits होंगे तो वो उल्टा नुकसान हो जाएगा आपका। But unlike neoliberalists, they do not see institutions as the most effective ways to prevent all wars. तो लेकिन ये जो neoliberal हैं, institutions की बात करते हैं कि जो है वो institution पे जो है सारे wars का खात्मा हो सकता है, तो ये उसके against है। लेकिन ये war के भी against है कि war जो है आप limited कर सकते हैं, आप conventional कर सकते हैं, आप preemptive measures ले सकते हैं, लेकिन वॉर की तरफ जाना जैसे ऑफेंसिव रियलिस्ट बिलीव करते हैं, तो ये डिफेंसिव कहते हैं कि आप देखें, बातें करें, डिप्लोमेसी को टाइम दें, और वॉर में ज्यादा खर्चा है तो इस रियासतों को नुकसान हो सकता है। दे आल्सो बिलीव दैट वॉर्स आर अनअवॉइडेबल इन सम इंस्टेंसेस। तो ये भी बिलीव करते हैं कि वॉर जो है कभी कभी अनअवॉइडेबल हो जाती है। Neorealists think that states are still principal actors in international relations as much as realists in the olden ages did. But globalization changes the sum of areas of state authority and control, although politics is still international.
तो न्यू रियलिस्ट बिलीव करते हैं कि आज भी जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंटरनेशनल सिस्टम में जो मेन एक्टर्स हैं, जो मेन प्लेयर्स हैं, वो स्टेट्स हैं, जैसा कि वो क्लासिकल रियलिस्ट सोचते हैं। लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, 21st सेंचुरी का ज़माना है, यहाँ पे कुछ न्यू एरियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू चैलेंजेस जो है वो आ गए हैं, तो वो स्टेट्स को उस हिसाब से भी देखना होता है। लेकिन इनके लिए जो पॉलिटिक्स है आज भी जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। हाँ, यहाँ पे मजीद जो है हम डिफाइन करेंगे न्यू रियलिज्म को। न्यू रियलिज्म इज अ थियोरी दैट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन इंटरनेशनल रिलेशंस इन साइंटिफिक टर्म्स बाय मेकिंग रेफरेंस टू द अनइक्वल कैपेबिलिटीज ऑफ स्टेट एंड एनार्किकल नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। तो न्यू रियलिस्ट एक ऐसी थियोरी है जो एक्सटेंशन है क्लासिकल रियलिज्म की, लेकिन ये जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को साइंटिफिक बेसिस पे जो है वो देखते हैं, और ये कहते हैं कि इस इंटरनेशनल सिस्टम में जो कैपेबिलिटीज हैं रियासतों की वो अनइक्वल हैं। जहाँ पे मोस्ट पावरफुल स्टेट्स हैं तो वहाँ पे मीडियोकर स्टेट्स हैं, तो वहीं पे जो है बिल्कुल जो है वो वीकर स्टेट्स हैं। और ये इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो एनार्किकल सिस्टम है, जैसे क्लासिकल रियलिस्ट बिलीव करते हैं। नंबर 2, इट फोकसेस ऑन द ग्रेट पावर्स हुज रिलेशंस डिटरमाइन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये फोकस करते हैं ग्रेट पावर्स पे, क्योंकि जो ग्रेट पावर्स हैं वो फिक्स डॉक्ट्रिन बिलीव करते हैं, वो पावर पे बिलीव करते हैं। तो ये कहते हैं कि जितने भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आउटकम्स हैं, जो फवायद हैं, वो जो पावरफुल्स हैं, पावरफुल रियासतें हैं, वो लेके जाती हैं सारा कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। थर्ड इज न्यू रियलिज्म कैन आल्सो बी सीन एज अ थियरी ऑफ साइंटिफिक नेचर इन आईआर दैट एक्सपेक्ट्स स्टेट टू बिहेव इन अ सर्टेन प्रेडिक्टेबल वेज। तो जैसे हम ऊपर पढ़ के आए कि ये जो है वो साइंटिफिक टर्म्स पे जो है वो बिलीव करती है इंटरनेशनल रिलेशंस को, तो ये कहते हैं कि आज हम जो है वो रहते हैं ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पे रियासतों को थोड़ा जो है वो जदीद तरीके से जो है वो जो है बिहेव करना पड़ेगा इंटरनेशनल सिस्टम में। अच्छा, की अजम्पशंस हैं न्यू रियलिस्ट के। स्टेट्स आर द ओनली एक्टर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम, हम पढ़ चुके हैं ये। दे आर्ग्यू दैट स्टेट्स एग्जिस्ट एंड ऑपरेट इन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल एनार्की, ये भी हम पढ़ चुके हैं। दे अज्यूम दैट स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एक्टर बिहेवियर। ये चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो जो स्टेट का बिहेवियर होता है वो कौन डिटरमाइन करता है। तो ये बिलीव करते हैं कि जैसा स्टेट को आप स्ट्रक्चर देंगे वैसे ही रियासतें बिहेव करेंगी इंटरनेशनल सिस्टम में। कैसे कि सपोज करें जब मल्टीपोलर वर्ल्ड था तो रियासतों का बिहेवियर वैसा था, स्ट्रक्चर जैसा था इंटरनेशनल सिस्टम का। फिर बाइपोलर आया 1945 के बाद 1991 तक, तो ये बिलीव करते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पावर था बाइपोलर सिस्टम में वो मेजर डिटरमिनेंट्स हैं एक्टर्स के बिहेवियर का। और आज यूनिपोलर वर्ल्ड है तो स्टेट का बिहेवियर जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड की तरह होंगे। तो सवाल ये है कि जो एक्टर हैं, स्टेट्स हैं, उनका बिहेवियर कौन डिटरमाइन करते हैं। तो न्यू रियलिस्ट जवाब देते हैं वो है इंटरनेशनल स्ट्रक्चर, और इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में क्या है, वो एनार्की है जो दूसरे पॉइंट में वो बता रहे हैं। थर्ड पॉइंट इज स्टेट्स आर सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड एंड एनार्किक एंड कॉम्पिटिटिव सिस्टम पुशेस देम टू फेवर सेल्फ हेल्प सर्वाइवल ओवर द कोऑपरेटिव बिहेवियर। तो ये कह रहे हैं कि जो रियासतें होती हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड होती हैं, और जो सिस्टम है इंटरनेशनल वो कॉम्पिटिटिव है, एनार्किक है। यहाँ पे जो रियासतों का जो बिहेवियर होता है वो कोऑपरेटिव नहीं होता, लेकिन वो सेल्फ हेल्प और सर्वाइवल की तरफ जाते हैं, इसीलिए तो कोऑपरेशन जो है लिटिल बिट डिफिकल्ट है इनके लिए। फिफ्थ पॉइंट इज स्टेट्स आर रैशनल एक्टर्स सिलेक्टिंग स्ट्रेटजीज टू मैक्सिमाइज बेनिफिट एंड मिनिमाइज लॉसेस। तो ये कह रहे हैं स्टेट्स जो होते हैं वो लॉजिकल एक्टर्स होते हैं, रैशनल एक्टर्स होते हैं,
वो अपने बेनिफिट और लॉसेस को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। हमेशा रियासत यही चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स हों और कम से कम जो है वो लॉसेस हों। नंबर सिक्स इज द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम प्रेजेंटेड बाय एनआरकी इज सर्वाइवल। तो जो एनआरकी ने रियासतों को जो है वो एक चीज दी है वो है सर्वाइवल। तो रियासतें सोचती हैं कि सबसे पहले सर्वाइवल हो, उसके बाद जो है वो दूसरी चीजें हों। लास्ट पॉइंट इज स्टेट सीज अदर स्टेट्स एज अ पोटेंशियल एनिमीज। रियासतें जो है दूसरी रियासतों को अपना अहम दुश्मन समझती हैं एंड थ्रेट्स टू देयर नेशनल सिक्योरिटी, और उनकी डोमेस्टिक सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट समझती हैं। दिस डिस्ट्रस्ट एंड फियर क्रिएट्स अ सिक्योरिटी डायलेमा। और ये जो ना यकीनी वाली और डर वाली कैफियत है ये सिक्योरिटी डायलेमा जो है वो क्रिएट करती हैं। एंड दिस सर्व्स एज अ मोटिवेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ मोस्ट स्टेट्स। और ये सिक्योरिटी डायलेमा जो है फेयर वाला और डिस्ट्रस्ट वाला वो हमेशा जो रियासतों की पॉलिसीज होती हैं, फॉरेन पॉलिसी होती है, डोमेस्टिक पॉलिसी होती है, इंटरनेशनल पॉलिसी होती है, वो उसको जो है वो मोटिवेट करते रहते हैं। और हमने न्यू रियलिज्म पढ़ लिया, अब है न्यू लिबरलिज्म। तो ये जो है अगेंस्ट है, अपोनेंट है न्यू रियलिज्म के। तो बेसिकली न्यू रियलिज्म इज रिवाइवल ऑफ लिबरलिज्म। और न्यू जैसे न्यू रियलिस्ट था एक्सटेंशन थी रियलिज्म की, तो न्यू लिबरलिज्म जो है वो रिवाइवल या एक्सटेंशन है लिबरलिज्म की। न्यू लिबरलिज्म इज अ रेस्पॉन्स टू न्यू रियलिज्म। न्यू लिबरलिज्म जो है पहले न्यू रियलिज्म आई तो उसके जो रेस्पॉन्स में जो आई वो न्यू लिबरलिज्म है। नॉट डिनाइंग द एनार्किक नेचर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। ये भी बिलीव करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है एनार्किक है एंड स्टेट्स आर द की एक्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और स्टेट्स भी जो हैं वो की एक्टर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, बट स्टिल मेंटेन्स दैट नॉन एक्टर्स एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस मैटर। तो ये बिलीव करते हैं जो थिंकिंग है न्यू रियलिज्म की कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है एनार्किक है और स्टेट्स जो है मेन एक्टर्स हैं, ये भी उन दोनों चीज़ों पर बिलीव करते हैं न्यू लिबरलिज्म वाले। लेकिन वो थोड़ा एक्सटेंशन में जाते हैं कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, एनजीओज हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी जो है वो प्लेयर हैं इन इंटरनेशनल सिस्टम, तो उनको हम राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो न्यू रियलिज्म जैसे न्यू रियलिज्म दी थी केनेथ वार्ड्स ने, तो न्यू लिबरलिज्म का जो मेन प्रोपोनेंट स्कॉलर है वो जोसेफ नहीं है। वो कहता है ही आर्ग्यूज दैट स्टेट विल कोऑपरेट इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलेटिव गेन्स आर दस कंसर्न्ड विद एब्सोल्यूट गेन्स। तो जोसेफ नहीं कहता है कि स्टेट्स को चाहिए कि वो एब्सोल्यूट गेन पे जो है वो ज्यादा कंसर्न्ड हो बल्कि रिलेटिव गेन्स पे। जो न्यूरलिस्ट कहते हैं कि रिलेटिव गेन्स की तरफ जो है रियासतें, ये कहते हैं कि रिलेटिव गेन्स को छोड़ो एब्सोल्यूट गेन्स पे जो है ध्यान दो। अपने रियासत को चाहिए कि सबसे पहले अपने ऊपर जो है वो ध्यान दे और खुद को जो है वो डेवलप करें, उसके बाद जो है वो दूसरी चीजें। रियासत खुद को जो है वो डेवलप करेगी, खुद से जो कंपटीशन करेगी ऑटोमेटिकली वो डेवलप हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट गेन जो है रियासत के लिए वो फायदेमंद होगा। न्यू लिबरलिस्ट बिलीव दैट स्टेट कॉरपोरेशंस स्टेट कोऑपरेशन टू अचीव एब्सोल्यूट गेन्स एंड द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू कोऑपरेशन इज चीटिंग और नॉन कंप्लायंस बाय द अदर स्टेट्स। तो न्यू लिबरल्स बिलीव करते हैं कि जो स्टेट्स का कोऑपरेशन है वो अचीव हो सकता है, लेकिन उसका जो मेन ऑब्स्टिकल्स हैं वो चीटिंग और नॉन कंप्लायंस के। रियासतों जो इंटरनेशनल सिस्टम है प्रोमिसेस करके कोऑपरेशन के वो एक दूसरे से चीट करती हैं, और वो जो नॉन कंप्लायंस वाला सिस्टम है या जो वो प्रोमिसेस जो हैं वो फुलफिल नहीं करते। अब कुछ जो है वो जैसे न्यू रियलिस्ट के टाइप्स थे, तो यहाँ पे न्यू लिबरलिज्म जो है उसके भी टाइप्स हैं चार। सबसे पहला है contemporary neoliberalism has been shaped by assumptions of commercial republican, sociological, institutional republican,
कमर्शियल रिपब्लिकन, सोशियोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशन रिपब्लिक, ये चार टाइप्स हैं न्योरियलिज्म। सबसे पहले कमर्शियल लिबरलिज्म आर्ग्यूज डेट फ्री ट्रेड, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, फ्री मार्केट सिस्टम विल लीड टू रिचर, मोर इनोवेटिव एंड मोर टॉलरेंट वर्ल्ड। तो ये कमर्शियलिज्म की बात करते हैं, फ्री ट्रेड के, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स के, फ्री मार्केट सिस्टम की। तो ये कह रहे हैं कि रियासतें जो है इससे जो है और ज़्यादा जो है वो रिचर हो सकती हैं, इनोवेटिव हो सकती हैं, और जो वर्ल्ड है वो मोर टॉलरेंट हो सकता है। सेकेंड है रिपब्लिकन लिबरलिज्म, ये कहते हैं कि द स्टेट्स, देयर डेमोक्रेटिक स्टेट्स आर मोर इंक्लाइंड टू रेस्पेक्ट द राइट्स ऑफ देयर सिटीजन्स, के जो डेमोक्रेटिक रियासतें होती हैं वो अपने शहरियों के, सिटीजन्स के, वो जो हैं वो राइट्स जो हैं वो ज़्यादा जो है उनको रेस्पेक्ट करती हैं, आर लेस लाइकली टू गो टू वॉर। यहाँ पे वॉर्स लिखा है लेकिन ये वॉर है, WAR, विद देयर डेमोक्रेटिक नेबर्स। और जो डेमोक्रेटिक रियासतें होती हैं वो एवॉइड करती हैं वॉर से, और अपनी दूसरी जो डेमोक्रेटिक रियासतें हैं उनसे वॉर वाला जो ऑप्शन है वो कम यूज़ करती हैं। थर्ड इज सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस। जो जोसेफ नाइन का जो है वो कॉन्सेप्ट है कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो एनार्किकल तो है लेकिन यहाँ पे रियासतें जो है वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, तो इसकी वजह से जो है वो कोऑपरेशन जो होना जो है वो मुमकिन है। फोर्थ इज लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म और न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म आर्ग्यूज दैट द वे टूवर्ड्स द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज टू हैव इंडिपेंडेंट स्टेट्स पूल their resources, even surrender some of their sovereignty to create integrated communities to promote economic growth or respond to a regional problem. तो यहाँ पे जो liberal institutionalism है ये कह रहे हैं कि आप institution build up करें peace and prosperity के लिए, इसमें जो independent states हैं वो थोड़े अपने resources दें और थोड़ी अपनी sovereignty जो है वो compromise करें for the sake of global इकोनॉमिक ग्रोथ और जो टू कैटर टू फेस द रीजनल प्रॉब्लम्स। तो अगर आपको रीजनल रीजन में प्रॉस्पर्टी लानी है, पीस लानी है, और इंटरनेशनल पे पीस और प्रॉस्पर्टी लानी है, तो रियासतों को इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे और थोड़ा जो है अपने रिसोर्सेज देने होंगे और थोड़ी सॉवर्निटी पे जो है वो कंप्रोमाइज करना होगा, तो इसी से जो है वो बेटर वर्ल्ड जो और पीसफुल और प्रॉस्पर वर्ल्ड जो है वो बन सकता है। अब आए न्यू लिबरलिज्म के जो है वो कुछ अजम्पशंस हैं कि न्यू लिबरलिज्म आर्ग्यूमेंट इज फोकस्ड ऑन द न्यू रियलिस्ट अंडर एस्टिमेशन ऑफ वैरायटी ऑफ कोऑपरेटिव बिहेवियर पॉसिबल विद इन अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। वही पिछली वाली बात, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अजम्पशंस जो है वो इंपॉर्टेंट है कि अजम्पशंस ऑफ न्यू लिबरलिज्म। नंबर वन, स्टेट्स आर द मेन एक्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये भी बिलीव करते हैं कि मेन एक्टर्स जो हैं वो स्टेट्स हैं। द इंटरनेशनल सिस्टम इज करेक्टराइज बाय इंटरडिपेंडेंस, और इंटरनेशनल सिस्टम जो है एनार्किकल तो है लेकिन वो इंटरडिपेंडेंट है, रियासतें एक दूसरे पे जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए कोऑपरेशन होना मुमकिन है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टेट्स आर मेनली कंसर्न विद इकोनॉमिक गेंस। तो जब सिक्योरिटी और इकोनॉमिक गेंस की बात आती है तो न्यू रियलिस्ट सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं रियासत की, कि स्टेट्स के मेन गोल्स कौन से होने चाहिए, और न्यू लिबरलिस्ट जो हैं वो इकोनॉमिक्स को जो है वो प्रायोरिटी देती हैं कि पहले इकोनॉमिक पावरफुल हो जाएं, फिर जो है ऑटोमेटिकली सर्वेल हो जाएगा रियासत का। नंबर फोर्थ इज स्टेट्स कोऑपरेट टू क्रिएट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड विथ द गोल ऑफ अवॉइडिंग मार्केट फेल्यूर्स एंड क्रिएट ट्रस्ट, कि स्टेट्स को एक दूसरे से कोऑपरेट करना होगा और टू क्रिएट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और बैनल अकामी इदारे बनाने होंगे जिनका ये मकसद होगा कि जो मार्केट फेल्यूर्स हैं और जो डिस्ट्रस्ट इंटरनेशनल सिस्टम में उसको ट्रस्ट में जो है वो कन्वर्ट करके एक पीसफुल माहौल जो है क्रिएट किया जा सकता है। जैसे सपोज करें यहाँ पे एग्जाम्पल होगा IMF का। IMF का यही काम है कि जो डिफॉल्ट हो रही हैं कंट्रीज या बैंकरप्ट हो रही हैं तो उनको जो है वो कर्जे दे के, पैसे दे के दोबारा उनको जो है अपने पांव पे खड़ा किया जा सके।
Last point is international relations are peaceful, driven by self-interested and economic behavior. और जो international relations हैं वो जो है वो अमन के साथ drive हो सकते हैं self-interest और economic behavior के हिसाब से. और तो जैसे एक तो self-interest है international relations में और दूसरा economic behavior है in the eyes of neoliberalism. तो अब आ जाए जो मेन चीज है न्यू न्यू डिबेट मतलब न्यू रियलिज्म वर्सेस न्यू लिबरलिज्म. तो पहला जो फीचर है पहली जो बात है क्वेश्चन है इनके सामने वो है नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनार्की. तो न्यू रियलिज्म के लिए एनार्की आर्ग्यूज दैट एनार्की पुट मोर कंस्ट्रेंट ऑन फॉरेन पॉलिसी. दे आल्सो आर्ग्यू दैट न्यू लिबरलिस्ट अंडरमाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वाइवल एज द गोल ऑफ ईच स्टेट. तो जो न्यू रियलिस्ट हैं ये कह रहे हैं कि एनआरकी जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए बड़ा प्रॉब्लम है कंस्टेंट है. और ये भी ये कहते हैं कि न्यू लिबरल जो हैं वो एनआरकी को जो है वो लाइटली ले रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस को जो है एज अ स्टेट सर्वाइवल में जो है वो अंडरमाइन कर रहे हैं. न्यू लिबरलिस्ट कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड क्लेम दैट न्यू रियलिस्ट अंडरमाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस globalization and regimes created to manage these interactions. तो ये उल्टा जवाब दे रहे हैं न्यू रियलिस्ट को कि न्यू रियलिस्ट जो है वो इंटरडिपेंडेंस ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की जो है वो इम्पोर्टेंस को जो है वो अंडरमाइन कर रहे हैं. अगर इन पे बिलीव करें तो जो है एन आर की जो है वो कंट्रोल हो सकती है. सेकेंड इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन. सेकेंड पॉइंट इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन. तो न्यू रियलिस्ट आर्ग्यूज दैट इंटरनेशनल कोऑपरेशन विल नॉट हैपन अनलेस स्टेट्स मेक इट हैपन. तो न्यू रियलिस्ट कहते हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन तब तक मुमकिन नहीं है जब तक स्टेट्स ना चाहें. दे फील दैट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज हार्ड टू अचीव एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड डिपेंड ऑन स्टेट पावर. तो ये बिलीव करते हैं कि जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वो मुश्किल है उसको अचीव करना. अगर अचीव भी कर लें तो डिफिकल्ट है मेंटेन करना. क्यों? डिपेंड ऑन द स्टेट पावर. और ये डिपेंड करती है स्टेट पावर. अगर पावरफुल दो रियासतें हैं दो ग्रुप पावरफुल हैं तो यहाँ पे कोऑपरेशन हो सकती है. लेकिन जब अनइक्वल रियासतों का आपस में कोऑपरेशन होना जो है वो नामुमकिन है. Where is your liberalist feels that cooperation is easy to achieve in areas where state have mutual interest. और न्यू लिबरलिस्ट जो है वो कहते हैं कि कोऑपरेशन जो है वो अचीव हो सकती है लेकिन वहाँ पे हो सकती है जहाँ पे रियासतों के जो है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट हों तो वहाँ पे कोऑपरेशन जो है वो ईजिली टू अचीव है. थर्ड फीचर इज इंटेंशंस वर्सेस कैपेबिलिटीज. तो न्यू रियलिस्ट पुट्स एम्फसिस ऑन कैपेबिलिटीज मींस पावर ऑफ स्टेट ओवर द इंटेंशंस एंड इट्स इंटरेस्ट ऑफ स्टेट. तो न्यू रियलिस्ट बिलीव करते हैं स्टेट का पावर बढ़ाओ मिलिट्री पावर बढ़ाओ और कैपेबिलिटी बढ़ाओ. फॉर न्यू रियलिस्ट कैपेबिलिटीज आर एसेंशियल फॉर सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस. और न्यू रियलिस्ट के लिए कैपेबिलिटी का मतलब ये है इम्पोर्टेंस ये है सिक्योरिटी और इंडिपेंडेंस. दे क्लेम दैट अनसर्टेनिटी अबाउट द इंटेंशन ऑफ अदर स्टेट्स फोर्सेस स्टेट टू फोकस ऑन देयर कैपेबिलिटीज. कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो एनार्किकल है तो वहाँ पे अनसर्टेनिटी है रियासतों के दरमियान. तो आपकी दूसरी रियासत अपोनेंट रियासत के इंटेंशंस के बारे में नहीं पता होता तो इसीलिए रियासतों को अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर जो है वो फोकस्ड रहना होगा. हाउएवर न्यू लिबरलिस्ट एम्फसिस इंटेंशंस एंड प्रेफरेंसेस. तो न्यू लिबरल जो है वो बिलीव करते हैं इंटेंशंस पे डिस्कवरीज पे इंफॉर्मेशन पे और दूसरी प्रेफरेंस पे. मतलब न्यू रियलिस्ट हार्ड पावर पे बिलीव करते हैं कैपेबिलिटी पे बिलीव करते हैं और न्यू लिबरल जो है वो सॉफ्ट पावर्स पे जो है वो बिलीव करते हैं इंटेंशंस पे. अच्छा जब एब्सोल्यूट गेंस और रिलेटिव गेंस का जो क्वेश्चन उठे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि न्यू लिबरल जो हैं वो रिलेटिव गेंस पे बिलीव करते हैं और जो न्यू रियलिस्ट है न्यू लिबरल्स हैं वो एब्सोल्यूट गेंस पे बिलीव करते हैं और न्यू रियलिस्ट जो हैं
वो रिलेटिव गेंस पे बिलीव करते हैं. तो आए पहले न्यू लिबरल्स देख लेते हैं. थिंक दैट एक्टर विथ कॉमन इंटरेस्ट ट्राई टू मैक्सिमाइज एब्सोल्यूट पावर्स. न्यू लिबरल जो हैं वो बिलीव करते हैं कि जो एक्टर्स हैं रियासतें हैं जिनके कॉमन और म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं वो अपने एब्सोल्यूट गेंस जो हैं वो मैक्सिमाइज कर सकती हैं. ऑन द अदर हैंड न्यू रियलिस्ट क्लेम दैट न्यू लिबरल ओवरलुक द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेटिव गेन. और दूसरी तरफ न्यू रियलिस्ट कहते हैं कि जो न्यू लिबरल हैं वो रिलेटिव गेंस की इम्पोर्टेंस को जो है वो ओवरलुक कर रहे हैं. न्यू लिबरल्स वांट टू मैक्सिमाइज द टोटल अमाउंट ऑफ गेंस फॉर ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड. वेयर इज न्यू रियलिस्ट बिलीव दैट द फंडामेंटल गोल ऑफ स्टेट्स इन कोऑपरेटिव रिलेशन इज टू प्रिवेंट फ्रॉम गेनिंग मोर. तो न्यू लिबरल्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि भाई जितने गेंस बेनिफिट्स आए वो बढ़ें लेकिन वो शेयर हों सारी पार्टीज में जो भी इन्वॉल्व हों. लेकिन न्यू रियलिस्ट बिलीव करते हैं कि ये जो कोऑपरेटिव रिलेशन होता है स्टेट्स का, उसका फंडामेंटल गोल ये होता है कि रियासतों को जो ज़्यादा गेनिंग मोर वाला कॉन्सेप्ट जो है उससे ये प्रिवेंट करता है. तो ये उस पर बिलीव नहीं करते हैं. तो न्यू लिबरल बिलीव करते हैं एब्सोल्यूट गेंस पे और न्यू रियलिस्ट बिलीव करते हैं रिलेटिव गेंस पे. न्यू रियलिस्ट बिलीव दैट एनआरकी रिक्वायर्स स्टेट्स टू बी प्री ऑक्यूपाइड विथ रिलेटिव पावर सिक्योरिटी सर्वाइवल इन कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल सिस्टम. न्यू रियलिस्ट बिलीव करते हैं कि एनआरकी के माहौल में रियासतों को प्री डिटरमाइंड प्री ऑक्यूपाइड होना चाहिए अपना रिलेटिव पावर पे, सिक्योरिटी पे और सर्वाइवल पे, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो कॉम्पिटिटिव है. कंट्रेरी टू द न्यू रियलिस्ट न्यू लिबरल्स आर द मोर कंसर्न विद इकोनॉमिक वेलफेयर और इंटरनेशनल पोलिटिकल इकोनॉमिक इशूज अदर मिलिट्री इशूज एरिया सच एज इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कंसर्न. तो इसके मुखालिफ जो न्यू लिबरल्स हैं वो बिलीव करते हैं कि भाई इकोनॉमिक वेलफेयर हो, इंटरनेशनल पोलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं उनको डिस्कस किया जाए, उनको हल किया जाए, और जो नॉन मिलिट्री इश्यूज हैं उस पे जो है वो ज़्यादा फोकस्ड हों दुनिया के जो मेन एक्टर्स, जैसे इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं या दूसरे इश्यूज हैं या पेंडेमिक इश्यूज हैं, तो उसमें जो है वो कोऑपरेटिव बिहेवियर हो सकता है. तो इसीलिए आप जो है वो रिलेटिव गेंस पे जो है वो आप ना फोकस्ड रहें बल्कि एब्सोल्यूट गेंस पे रहें. लेकिन न्यू रियलिस्ट कहते हैं कि आप रिलेटिव गेंस पे जो है वो फोकस रहें कि आपके दुश्मन अपने दुश्मन रियासत पे जो है वो नज़र रखें, क्योंकि कंपटीशन है पावर सिक्योरिटी और सर्वाइवल में इंटरनेशनल सिस्टम में. फिफ्थ इज इंस्टीट्यूशन एंड रिजीम्स. तो के इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में इन दोनों का क्या मौकफ है. न्यू लिबरल्स सी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रिजीम्स एज इम्पॉर्टेंट फोर्सेज इन इंटरनेशनल रिलेशन. न्यू लिबरल जो है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को जो है इम्पॉर्टेंट फोर्स और फैक्टर जो है मानते हैं IR में, इंटरनेशनल रिलेशंस में. और न्यू रियलिस्ट स्टेट डेट न्यू लिबरल्स एग्जैजरेट द इम्पैक्ट ऑफ रिजीम्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑन स्टेट बिहेवियर. तो न्यू रियलिस्ट कहते हैं तो वो बिलीव करते हैं इंटरनेशनल स्ट्रक्चर पे, तो ये बिलीव करते हैं कि जो न्यू लिबरल हैं वो खाम खा का जो है वो एग्जैजरेट करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस को. न्यू लिबरल्स हाउएवर क्लेम दैट दे फैसिलिटेट कोऑपरेशन एंड न्यू रियलिस्ट सेज दैट दे डू नॉट इमिटिगेट द कंस्ट्रेनिंग इफेक्ट्स ऑफ एनआरकी एंड कोऑपरेशन. तो न्यू लिबरल कहते हैं कि जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो रिवर्ट्स और कोऑपरेशन जो है वो फैसिलिटेट करते हैं. और न्यू रियलिस्ट बिलीव करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इस एनआरकी के माहौल में सिर्फ जो है ये कंस्ट्रेंट जो है वो डालते हैं रियासतों के दरमियान. लास्ट वाले दो पॉइंट अहम है. न्यू रियलिस्ट बिलीव दैट ऑर्गेनाइजेशन लाइक UNO आर अरिनाज वेयर स्टेट्स कैरी आउट देयर ट्रेडिशनल कॉम्पिटिशन एंड पोलिटिकल राइवलरी फॉर इन्फ्लुएंस. तो न्यू रियलिस्ट बिलीव करते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे UNO है, वहाँ वो एक ऐसा फोरम है जहाँ पे स्टेट जो है सिर्फ अपनी राइवलरी, अपनी दुश्मनी या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कंपटीशन जो है वो जाके डिस्कस करते हैं, उसका कोई आउटकम नहीं होता.
Neoliberals, on the other hand, believe that international institutions like WTO, World Trade Organization, carries norms that are binding on their members and that change the pattern of international politics. तो न्यू लिबरल बिलीव करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस लाइक WTO वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ नॉर्म्स जो हैं वो बनाते हैं, जिसमें जो मेंबर स्टेट्स होते हैं वो उन नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो फॉलो करते हैं और उस हिसाब से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो बिहेव करती हैं, तो वो बाइंडिंग हो जाते हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से. अब कंक्लूजन है न्यू लिबरलिज्म और न्यू रियलिज्म का. कंक्लूजन इन अ नटशेल, लेट मी टेक यू बैक टू द की पॉइंट्स डिस्कस्ड इन दिस प्रेजेंटेशन टुडे. बोथ न्यू रियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म आर द थियोरीज दैट आर बिलीव टू बी शेपिंग द करंट इंटरनेशनल सिस्टम. कि आज जिस ग्लोबलाइज दुनिया में हम रहते हैं, इसमें न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म जो है वो डोमिनेंट थियोरीज हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में. They both agree on that the world is anarchic. दोनों believe करते हैं कि जो international system है वो anarchic है, but they differ on how states or actors should respond to this nature. और वो जो response है रियासतों का उसमें जो है वो differ करते हैं. Third, fourth point is neoliberalism promotes democracy, free trade, private property rights, free market system, international institution, interdependence, just to name but a few. On the other hand, neo-realists promote both absolute and relative gains selfishly. They argue that cooperation is difficult to achieve, expensive to maintain, and it requires state power and resources. तो ये हमने conclusion complete कर लिया. यहाँ पे ये lecture जो है ख़त्म होता है neo-realism और neo-liberalism का.